मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह की 6:40 बज रहे हैं और आज तारीख है 7 दिसंबर। सो शक्ल देख के जान नहीं पा रहे होगी कि अभी सो के उठा हुआ हूँ और फ्रेश भी हो चुका हूँ। तो गाइस, ये जो ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ इसके बारे में मैं 3-4 दिन से सोच रहा था कि सुबह उठूँगा 4 बजे और चलूँगा शूट करने, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो आज चलते हैं, अब नहीं हो पा रहा है तो क्या करूं। सो एक बढ़िया से लोकेशन पे चलते हैं यार, मज़ा आएगा। ब्लॉग को देखते रहो, थोड़ा बहुत काम है मैं अभी कर लेता हूँ अपना, ऐसे माइक वाइक भर लेता हूँ और निकलता हूँ सीधा उस लोकेशन पे। सो लेट्स गो। सो गाइस, मुझे अभी अपना एसडी कार्ड नहीं मिला था जो कि मैं कैमरे में लगाऊंगा। सो घुसते घुसते थोड़ा टाइम जा रहा है, देखते हैं कहाँ पे है। A few moments later, फाइनली मिल गया गाइस। माउंट करता हूँ, फटाफट निकलता हूँ, बहुत लेट हो रहा है, सॉरी। सो गाइस, फाइनली आई एम फुल्ली रेडी और मैं अभी अपने घर से निकलने जा रहा हूँ। सो लेट्स गो और इन्जॉय करना गाइस, ब्लॉग को बहुत बढ़िया बनने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, फाइनली मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और जो सोचा था गाइस वो हो नहीं पाया। सुबह वो 4:30 बजे घर से निकलने वाला। गाइस ठंडा तो बहुत है यार, ये बात तो है कि ठंडा पूरा दबा के ठंडा लग रहा है मेरे को भी। बहुत दिन बाद सुबह उठ के आया हूँ यार, अलग सही तो मजा आ रहा है, पूरा फुल एनर्जी मिल रहा है। एक तो यार घर में ही 10-15 मिनट ऐसे चला गया वो एसडी कार्ड खोजने में, और इतना लेट हो चुका था तो और थोड़ा लेट हो जाने में कोई दिक्कत नहीं होता। तो गाइस, वी आर गोइंग टू जमादरपाली जा रहे हम लोग। एक व्यू दिखाना है आज आप लोग को, क्या मस्त। सुबह तो अलग ही मजा है यार, देख लो जमादरपाली 7.40 किलोमीटर, कैंची 2 किलोमीटर, एएससी 12 किलोमीटर, बस इतना मालूम है ना कि यहाँ से मेरे को कुछ देर तक सीधा ही जाना है, सीधा जाऊंगा उसके बाद राइट लेना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, लोगों को पूछ लेंगे। व्यू देखो यार, आज थोड़ा सही, देखो चढ़ाई इलाका है, मेरे को पहले से बता दिया गया, मस्त अभी चढ़ेंगे। व्यू यार, व्यू एंजॉय करो, क्या लग रहा है यार ये सुबह सुबह, सच में भाई मेरा खाली एक्शन कैमरा सही एंगल में हो, इसका असली मजा आपको यही मिल जाएगा, ये ब्लॉग यही दिखता है ऐसा लग रहा है यार। रास्ता है यार, नॉर्मल स्पीड में जाते हैं, पूरा मस्त घूमेंगे फिरेंगे, व्यू नेक्स्ट लेवल है।
मैं आप लोग को रुक के दिखाना चाहता हूँ गाइस, सच में मुझे रहा नहीं जा रहा है, बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है गाइस मेरे से, सच में। सो गाइस जिस लोकेशन का मैं बात कर रहा था अभी तक मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ, बट यहाँ से मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ का व्यू देखने के बाद आप पूरा खुश हो जाओगे। और ये भैया जो थे इनको बहुत थैंक यू, क्योंकि ये भी मेरे को हेल्प किए थे थोड़ी देर पहले। सो आप लोग को दिखाता हूँ गाइस यहाँ का व्यू, यहाँ से व्यू एंजॉय करो, सूरज दादा को देखो। और ये है गाइस यहाँ से चालू होता है, क्या नेक्स्ट लेवल दिख रहा है व्यू देखो। मैं अब ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगा, मेरे को पहुँचना ही पहुँचना है वहाँ बस। ये पेड़ भी भाई इतना सुंदर दिख रहा है, मैं क्या बोलूँ। वहाँ एक गाइस एक बोट चल रहा है, देखो मैं जूम नहीं करूँगा, बिल्कुल भी जूम नहीं करूँगा, वीडियो फट जाएगा, मैं क्वालिटी बेकार नहीं चाहता हूँ। खाली व्यू देखो, कितना पीसफुल जगह है कि नहीं रहेगा। और ये रही अपनी बुलेट, ये उसका हमेशा की तरह, ये आज भी मैला है। अच्छा हुआ गाइस मैं सुबह आया नहीं, वरना ये सब का मजा बिल्कुल नहीं रहता। ठंड भी बहुत लग रहा है मेरे को, क्योंकि चला के आया हूँ। और देखो कि सिनेमैटिक्स मजाक कर रहा हूँ, यहाँ सिनेमैटिक्स अभी बनाऊंगा नहीं मैं। सो फटाफट निकलते हैं। हाँ यही जगह है गाइस मैं जिसका बात कर रहा था, तो फटाफट रुकते हैं और देखते हैं। व्यू देख रहे हो, नहीं ठंड लग रहा है। और पीछे व्यू देखो, मजा आ रहा है। ये गाइस शांति वाला जगह, कभी भी कुछ भी टेंशन वेंशन होगा ना, एक बार जरूर इधर आके देखना। जिस तरीके का व्यू है ना इधर, नेक्स्ट लेवल। आपको संबलपुर एक ना एक बार आना पड़ेगा इस सब देखने के लिए। और इस साइड से अगर मैं दिखाऊं, ये तो रोड है, और ये हैं अपने सूरज दादा। फोकस मार देता हूँ, व्यू ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो फाइनली मैं अभी पानी के पास आया हूँ, और देखो यहाँ से एक बार छू के ट्राई करता हूँ कैसा है पानी। हल्का 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 लग रहा है पानी, हल्का हल्का ठीक है यार, घर का पानी बहुत ठंडा आता है, बट यहाँ सही लग रहा है पानी। और मैं सुना भी हूँ कि सुबह सुबह अगर नहाने आओगे तो पानी ठीक रहता है। सूरज की रोशनी बैक साइड में है, इसलिए गाइस अंधेरा अंधेरा लग रहा है देखने से। डोंट वरी, थोड़ा नीचे उतरते, सूज भीग गया तो बहुत दिक्कत होगा ठंडा में। मज़ा आ रहा है, आप लोग आना ट्राई करना। इतना गाइस सिनेमैटिक्स बनाने के लिए ना मेरे को उतना सही नहीं लगा, क्योंकि उतना जगह नहीं है कि मैं सिनेमैटिक्स टाइप का बनाऊं। सो उतना नहीं करूँगा, जैसा वीडियो सही लगेगा मैं उस टाइप का ही बनाऊंगा। तो आप लोग यहाँ से एक बार, सामने से एक बार व्यू देखो पानी का, किस तरह से झेल का है देखो, मस्त वेव मार रहा है, वेव मारते मारते आगे आ रहा है पानी, और पूरा छलक छलक का साउंड आ रहा है। और इस पत्थर के अंदर भी गाइस
पानी है, कचरा बहुत है, उतना भी नहीं है, साफ सुथरा जगह है, थोड़ा बहुत कचरा है, जो भी प्लास्टिक गिरा रहता है उन लोग यहीं छोड़ के चले जा रहे हैं, तो दैट्स वाई ये पूरा मैला टाइप का हो गया है। ऐसे देख रहे किसी का चप्पल गिरा हुआ है, पानी का बोतल, ग्लास, बहुत कुछ गिरा हुआ है। बट यहाँ से क्या मस्त वेव मार रहा है, देखो दूर दूर से, दूर दूर से ऐसा वेव मारते हुए आ रहे हैं, और घास भी, घास तक यहाँ पे ऐसे इस टाइप से हिल रहे हैं। जाने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। और उसके आगे मैं गया था अभी थोड़ी देर पहले शूट में, यहाँ फिर रुका हूँ और मज़ा आ गया। अगर मैं आपको इस जगह के बारे में बताऊँ तो ये है गाइस जमादारपाली डाइक, ये राइट डाइक है और बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेस है गाइस। आप यहाँ पानी का आवाज़ सुन ही सकते हो, एक बार मेरे बैक साइड देख लो, ये जितना भी है ना हीराको डैम का पानी है। ये राइट डाइक जमादारपाली, एक बार और बोल रहा हूँ, एक बार गाइस विजिट जरूर करना इस प्लेस को। तो यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अभी, ये है गाइस इसका एंट्रेंस था, और मजा आ गया, सच बात बोल रहा हूँ, मजा आ गया गाइस। एक अंकल जी खेल रहे हैं यार गाड़ी, कौन आई वाला की कौन चोरी वाला के? अच्छा किनू किनू पंचर बनसी। गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, और आप लोगों ने जैसे देखा लास्ट वीक में कि अंकल जी अपने गाड़ी को ठेलते हुए जा रहे थे, बहुत बुजुर्ग थे अंकल। सो वो क्लिप देखने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उस क्लिप को डालने वाला हूँ। और गाइस जमादारपाली डाइक कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइस मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलता हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, टिल देन बाय।